आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या है, मतलब एक्चुअल में सिस्टम है क्या, कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में क्या हो रहा है, और आप साइकोलॉजिकली तौर पे क्या चाहते हैं, और मींस हेल्थ इश्यूज क्या हैं, और किस तरह खुद को आप सेहतमंद रख सकते हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं। द होल पर्सन एज इन द सेंटेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल पर्सन इज अ फेस फ्रेज वी ऑफन हियर, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज द पीपल एंड द रीजन फॉर देयर बिहेवियर आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब लोगों को देखें तो बाहर वो कुछ नजर आ रहे होते हैं लेकिन उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। मैनी हेल्थ प्रोफेशनल्स ट्राई टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लाइफ एज अ टोटल टू अंडरस्टैंड द हेल्थ एंड इलनेस। मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की है और डिफरेंट आइडियाज दिए हैं कि एक्चुअल में ये सिस्टम है क्या और किस तरह ये सिस्टम ठीक हो सकता है। मतलब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड। यूजिंग द बायोसाइको सोशल मॉडल एज अ गाइड, रिसर्चर हैव डिस्कवर न्यू एंड इम्पोर्टेंट फाइंडिंग एंड वेज टू प्रमोट पीपल हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग डिस्कवरी, यूजिंग साइकोलॉजी मेथड टू रिड्यूस एंग्जाइटी ऑफ पोटेंशियल हु आर अवेटिंग सर्जरी एनेबल देम टू रिकवर मोर क्विकली एंड लीव द हॉस्पिटल सूनर। मतलब साइकोलॉजिकली क्या होता है कि हेल्थ आपकी तब ठीक होती है जब डेफिनेटली यू गेट अ ट्रीटमेंट, मतलब जब ट्रीटमेंट करवाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं या हेल्थ केयर सेंटर जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलनेस यू हैव और व्हाट यू हैव टू डू, मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, यू कैन बी फिट। उसके अलावा द लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव क्या है इसमें कि इंसान की लाइफ चेंज होती रहती है, प्रोसेस है डेवलपमेंट का, और मतलब अर्ली ईयर्स में कुछ और हो रहा होता है, आजकल के दौर में कुछ और हो रहा है, मतलब चेंजिंग हो रही होती है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं और इन पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हमारी लाइफ आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। हाउ डू द रूल्स ऑफ डिफरेंट बायोसाइकल सिस्टम चेंज एज वी डेवलप, मतलब रूल कैसे चेंज हो सकते हैं आपकी साइज स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी, और एट द एंड मतलब आप जब बूढ़े हो जाते हैं तो देन व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी यू हैव। पहले भी हमने इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि हेल्थ साइकोलॉजी, तो मेट्राराजो डिफाइन द हेल्थ साइकोलॉजी एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन साइकोलॉजी प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट इलनेस रिलेटेड डाइज फंक्शन। मतलब उसने डेफिनेशन दी है किसमें आपकी एजुकेशन है, साइंस है, प्रोफेशनलिज्म है, आपका डिसिप्लिन है जो कि प्रमोट करता है आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है। द एम ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी के मकासद क्या है। हेल्थ साइकोलॉजी एम्फसाइज द रूल ऑफ साइकोलॉजी के फैक्टर इन काज प्रोग्रेशन एंड कंसिक्वेंस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। मतलब इस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एम ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनिंग डेवलपिंग एंड टेस्टिंग थियरी एंड पुटिंग द थियरी एंड टू प्रैक्टिस। मतलब जैसे कोई टेस्ट करवाते हैं तो जब कोई बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है तो उस पर प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है, प्रॉपर इलाज होता है, ये इलाज ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। हेल्थ साइकोलॉजी एम्स टू अंडरस्टैंड द टेस्ट थियरीज, मतलब वही चीज़ें बीमारियाँ हैं डिफरेंट टाइप्स की और इनको एवेलुएट किया जाता है और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। उसके बाद रिलेटिंग हेल्थ साइकोलॉजी टू अदर साइंस फील्ड्स, इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जो डील करती हैं, मतलब क्लिनिकल एंड सोशल एरियाज, साइकेट्री है, पेडियाट्रिक्स हैं, अलाइड फील्ड्स हैं, न्यूट्रिशन है, मतलब ये जो हेल्थ की जो फील्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। बायो में देख ले तो बहुत ज़्यादा फील्ड है, मल्टीपल फील्ड हैं दैट विल बी योर पार्ट। इसमें सोशियोलॉजी है, पब्लिक हेल्थ का कंसर्न होता है कि आपको सेहतमंद रखना और प्रमोट करना। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें ह्यूमन कल्चर है आपका, जिसमें
कल्चर के लिहाज से मेडिकल चेकअप किया जाता है. हाउ डू द नेचर डेफिनेट लेट्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट कल्चर, मतलब डिफरेंट कल्चर के लिहाज से व्हाट यू कैन डू. एट द एंड ऑफ द पैरा यू कैन से दैट द कम्बाइंड इंफॉर्मेशन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम्स ऑन एपिडेमोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी पेंट्स अ ब्रॉड पिक्चर फॉर अस. इट डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम इन विच हेल्थ इलनेस एंड द पर्सन एग्जिस्ट एंड डेवलप, मतलब इसमें तमाम चीज़ों को देखा जाता है जो इसके लिए ज़रूरी होती हैं, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इस चैप्टर में कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी, जस्ट व्यू मेन पॉइंट से हेल्थ साइकोलॉजी और इसका जो अदर डिसिप्लिन से लिंक क्या होता है.